दुर्ग के शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर में महाकन्या भोज का आयोजन किया गया, जहां 2108 कन्याओं को एक साथ भोजन कराकर उपहार भेंट किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से शहर विधायक अरुण वोरा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व महामंत्री राजन साहू शामिल रहे। दुर्ग के शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करने के बाद महाकन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2108 कन्याओं को माता का स्वरूप मानते हुए गंजपारा पुरानी मंडी से उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही माता स्वरूप कन्याओं को 16 श्रृंगार के साथ शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर लाया गया, जहां सभी कन्या स्वरूपी माताओं को कतारबद्ध रूप से बैठाकर भोजन कराया गया। इस मौके पर कन्या स्वरूपी माताओं को दर्शन करने विधायक अरुण वोरा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेन साहू भी पहुंचे। इन्होंने माता का आशीर्वाद लेकर मंदिर समिति के इस प्रयास की खुले दिल से प्रशंसा की। इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई हो नहीं सकता। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, माँ दुर्गा की असीम कृपा हम सब के ऊपर है और खासकर दुर्ग की दुर्गा तो पूरे प्रांत में प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शक्ति चौरा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा लगभग 12 वर्षों से कन्या माता का को भोजन कराया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, ऐसा ऐतिहासिक दृश्य तो शायद ही कहीं देखने को मिले जो दुर्ग में देखने के लिए मिलता है। लगभग 2108 कन्याएं यहां पर आती है, भोजन करती है और भरपूर आशीर्वाद दुर्गवासियों को और प्रदेशवासियों को देती है, ताकि हमारे सबके जीवन में खुशहाली रहे, समृद्धि रहे और हम सब सद्भावना की ओर बढ़ते हुए दुर्ग की जो हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है सद्भावना की, भाईचारा की, एकता की, उसको हम लोग मजबूती प्रदान कर सकें। सबसे पहले मैं समस्त दुर्ग शहरवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। शक्ति चौरा दुर्गोत्सव समिति बहुत ही पुरानी समिति, बहुत ही सेवाभावी समिति, लगभग पिछले 12 सालों से यहाँ पे कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। इस साल छठचंडी महायज्ञ 9 दिवसीय बहुत ही विशाल आयोजन यहाँ पे किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, गृह मंत्री जी भी आए, माननीय विधायक अरुण वोरा जी आए, हमारे सभी पार्षद साथी यहाँ आके हम लोग यज्ञ में आहुति दिए और हम सब का यही मकसद है कि दुर्ग शहर में, प्रदेश में और पूरे देश में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहे, आपसी में भाईचारा बना रहे। छत्तीसगढ़ जो कि धार्मिक नगरी है दुर्ग, हम विगत 13 वर्षों से दुर्ग शहर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा महाकन्या भोज का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें आज आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या पर कन्या माताएँ पुरानी गंजमंडी दुर्ग में आई थी। वहाँ पर हमारी महिलाओं, हमारी समिति के महिला सदस्यों और शहर की अन्य महिलाओं द्वारा सभी माताओं को, कन्या माताओं को पैर में माहौर लगाया गया। उसके पश्चात उनको चुंदरी उड़ाकर एक भव्य शोभा यात्रा निकालकर दुर्गा मंदिर में एक साथ सभी 2000 से ज़्यादा बच्चियों को बैठाकर भोजन कराया गया। सबसे पहले मैं सभी को नवरात्रि पर्व की और दशहरा पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, देशवासियों को। साथ ही साथ शक्ति चौरा दुर्गा उत्सव समिति और शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर के सदस्यों के द्वारा हर वर्ष लगभग 12 वर्ष हो गए कन्या भोज का आयोजन किए जाते हैं, जो पूरे दुर्ग ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक उत्सव होता है, जहां लगभग 2100 से अधिक कन्याओं को पूजन किया जाता है और उनको प्रसादी वितरण किया जाता है। दुर्ग के शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर में बीते 13 सालों से महाकन्या भोज का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में कन्याएं इस महाभोज में शामिल होती हैं। ये कारण है कि शक्ति चौरा मंदिर प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे महाकन्या भोज के लिए पहचाना जाता है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच कर कन्या स्वरूप माता का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।